सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। अब बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स के अंदर देखिए, जो कार है, मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, याद है कि जो रेसिंग कार्स होती है उसके अंदर थोड़ा सा इंक्लाइन होता है, यस और नो? यस सर, तो कुछ उस तरीके का केस यस हम लिख के चल रहे हैं कि बैंकिंग ऑफ ट्रैक, मतलब कि एक एंगल दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये जो एंगल है थीटा, ठीक है। और एक चीज समझिए यहाँ पे, कि ये जो कार है इसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी फोर्स लग रहा है, और ये परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल टू दिस कार, क्या ये कुछ इस तरीके से नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा? भाई जो ट्रैक है, मतलब जो ग्राउंड है, वो भी तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, राइट? अब आप यहाँ पे जी देख रहे हो कि यहाँ पर जो है कुछ एंगल बन रहा है थीटा। ये जो है यहाँ पर जो एंगल बना, ये एंगल क्या बन गया? थीटा एंगल बना। जब यहाँ थीटा एंगल बना है तो ये एंगल क्या होगा? थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एक कुछ कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक ये कंपोनेंट बन रहा है कुछ इस तरीके से, देखिए ये एन साइन थीटा और ये बन गया आपका एन कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज? यस भाई समझ में आया? कोई सर, हाँ बोलना। जैसे कि आप जानते हैं कि यहां पर अगर एन लिया हुआ है और आपसे कुछ कंपोनेंट्स निकालने हैं अगर आपको, तो आप जानते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एन कॉस थीटा हो जाएगा और ये एन साइन थीटा हो जाएगा, याद है? यस सर, ठीक है, यस सर, अब देखिए ना, ये एन कॉस थीटा एन साइन थीटा हो गया, ठीक। अब ये जो मोशन में है कार, ये हमने इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ठीक है। अब जब ये कार मूव कर रही है उस टाइम पे डेफिनेटली सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा इसके ऊपर, राइट? और जब ये कार कुछ मूव करेगी सर्कुलर ट्रैक पे कुछ इस तरीके से, जब ये ट्रैक पे मूव कर रही है उस टाइम पे सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा होगा, सेंटर की तरफ टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रहा होगा जिसे हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या नाम कहते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो टूवर्ड्स द सेंटर कौन सा एक्सेलरेशन लगता है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगता है। कौन सा लग रहा है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। बोले यहां तो कोई डाउट है किसी को? तो नो सर, यहां पर आप नो एक चीज सर, देखिए सेकंड डायग्राम के अंदर, कि ये देखो ये फ्रिक्शन लग रहा है, दिख रहा है आपको? ये क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो। ये देखो ये फ्रिक्शन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब जो रोड सरफेस लिया है उस पे। अरे भाई फ्रिक्शन लगेगा ना टायर के और रोड के बीच में, नहीं लगेगा? यस सर, तो वो फ्रिक्शन यस लग सर, रहा है, ठीक है। दिस फ्रिक्शन इज एक्टिंग बिटवीन द टायर्स एंड द रोड सरफेस। आप ये देखो ये रोड सरफेस है, देखिए यहाँ पे ये रोड सरफेस है। क्या है? रोड सरफेस, ठीक है। इंक्लाइन दिख रहा है ना, वो रोड सरफेस है। हेलो एवरीवन, यस। यस सर, यस सर, अब ये एंगल थीटा बन रहा है, ये फ्रिक्शन आ गया एफ। अब आप यहाँ पे समझिए कि इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, कौन कौन से? भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनना चाहिए,
बनेगा ना? अरे भाई साहब अगर समझो ये एंगल मैंने बोला ये एंगल थीटा है, ये फ्रिक्शन एफ लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे एक इधर एक इधर, तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। बोलो आई बात समझ में? यस सर। ठीक है तो यहाँ पर देखो हमने रिप्रेजेंट किया है ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा, किया है रिप्रेजेंट यस और नो? तो यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे भाई एक ही डायग्राम है ये, इसमें कार दिखा के किया है, इसने सिंपल सा एक डॉट पॉइंट लेके कर दिया है, दोनों एक ही चीज है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब आगे समझिए कि यहां पर अब देखो एक तो ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, अब ये फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं, अब इन सभी का एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं, मतलब जितने फोर्सेस अब एक्ट कर रहे हैं उन सभी फोर्सेस को एक जगह पे लिख लेते हैं। ठीक है तो हमने क्या किया उन सभी फोर्सेस को एक जगह लिख लिया। अब देखो यहाँ पर आप देखो एफ कॉस थीटा यहाँ पे लग रहा है, यहाँ भी एफ कॉस थीटा लग रहा है राइट, एफ साइन थीटा यहाँ लग रहा है, ये लग रहा है एफ साइन थीटा, mg downward, n cos theta upward, ये n cos theta upward, ये normal perpendicular, ये normal perpendicular, ये n sin theta, ये n sin theta, that means all the forces are acting right now on a car, वो सभी forces को हमने एक जगह पे represent कर दिया है। ठीक है yes. अरे भाई इतना क्या मतलब confuse हो रहे हो तुम लोग है? बेटा यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है अब देखिए अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले जो फोर्सेस हैं उसको इक्वेट करो आप और वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को इक्वेट करो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो कौन कौन सा लग रहा है, एक n cos थीटा लग रहा है, तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ फोर्सेस एक्टिंग, तो सबसे पहले देखो क्या n cos थीटा इक्वल्स टू ये mg प्लस f sin थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते पहले बताओ। n cos theta is equal to mg plus f sin theta लिख सकते हैं या नहीं? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Right. तो एक तो ये हो गया, ठीक? दूसरा, ये f cos theta और ये n sin theta. और यहाँ पर दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा होगा? देखो टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लग रहा है v स्क्वायर बाय r। यस सर। तो इसको इक्वेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? mv स्क्वायर बाय r लिखेंगे। भाई देखो इस तरफ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये लग रहा है f cos theta plus n sin theta जो सेंटर की तरफ लग रहा है, तो इसको इक्वेट करने के लिए हम लिखेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे हम कहते हैं mv स्क्वायर बाय r। ये क्वेश्चन नंबर 2। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब समझिए आगे। नाउ व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर, देखिए जैसे आप जानते हैं कि फ्रिक्शन एफ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा,
एफ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? फ्रिक्शन को आप क्या लिखते हो? म्यू एन लिखते हैं, राइट? तो यहां पर हम लिख सकते हैं एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? म्यू इंटू एन साइन थीटा, ठीक है? लिख सकते हैं, हेलो, लिख सकते हैं? यस सर। आगे देखिए, अगर यहां पे हम एक से लिखे एम जी इज इक्वल्स टू ओके, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक? अब आप देखिए, ये मान लेते हैं, ये लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री, ये इक्वेशन नंबर फोर। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर थ्री देखिए, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, ठीक है, तो क्या लिखेंगे देखिए, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, अच्छा एक मिनट, इसे लिखते हैं एम जी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा, ठीक है? अब एक काम करते हैं, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, एन कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर रहेगा वन माइनस म्यू, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? टेन थीटा हो जाएगा, ये सिंपल स्टेप है, देखो एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा लिख सकते हैं, यस और नो? यस यस तो मैंने क्या किया, यहां पर देखिए लिखा एम जी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा को मैंने ले लिया बाहर, वन माइनस म्यू टेन थीटा ले लिया, बोलो ये एक इक्वेशन आ गई एम जी इक्वल्स टू एन कॉस थीटा इंटू वन माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक? अब आगे देखिए, यहां पर जो इक्वेशन नंबर फोर है उसका यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फोर देखिए क्या होगा, यहां पर हम लिख सकते हैं सबसे पहले एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू ये म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, ठीक है? तो यहां पर भी हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कॉस थीटा डिवाइड करें, अगर लाइक लिखे एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन
साइन थीटा बाय कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा म्यू एन, सॉरी ये एन कॉस थीटा और ये एन कॉस थीटा कॉमन, क्या बचेगा म्यू प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट? ये बन गया इक्वेशन नंबर सिक्स, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, एम जी और एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू, ओके मैं यहां से एन कॉस थीटा इंटू म्यू प्लस टेन थीटा, और दूसरा है यहां पे एम जी इक्वल्स टू एन कॉस थीटा इंटू वन माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। अगर हम इसे डिवाइड करें, अब देखिए मैं यहां पे डिवाइड कर रहा हूं इसको, ये इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये एन कॉस थीटा, ये एन कॉस थीटा कैंसिल, ये एम से एम कैंसिल, तो बचेगा क्या वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल्स टू म्यू प्लस टेन थीटा बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा, बचा। हेलो, यस सर। अब यहाँ पर हमने जो वी मैक्सिमम मिलेगा हमको, इसे कहते हैं इसे कहेंगे वी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा। तो वी मैक्सिमम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी into mu plus tan theta by 1 minus mu tan theta, बोलो समझ में आ गया? Yes sir। तो ये जो हमें मिला इसे कहेंगे तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड बोलो क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट है तो बताओ। एनीवन हैज एनी डाउट नाउ? हाँ भाई, कोई डाउट है किसी को?
No, sir. Pakka? No, sir. No, sir. The next topic जो है वो है banding of cyclist. ठीक है? आपको बस डायग्राम अगर बनाना आ गया देन इट्स वेरी इजी. देखिए बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, तो यहां पर आप एक चीज समझिए कि यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है कि नहीं. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यार अब तो आपको डायग्राम सामने दिखाई दे रहा है फिर भी आप ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे हो. फिर देखो यहाँ पे ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दिस इज एम जी विच एक्स डाउनवर्ड्स, ये एम वी स्क्वायर बाय आर लग रहा है, लग रहा है ना. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब आप यहां देखिए, ये एंगल थीटा है, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा कुछ इस तरीके से जिससे हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, राइट. तो ये देखो यहाँ पे लिखा है r cos थीटा, मैं लिख सकता हूँ n cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है. ये लिखा है r sin थीटा, मैं लिख सकता हूँ n sin थीटा. बोलो आई बात समझ में. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. और यहाँ पे इस डायरेक्शन में कौन सा एक्ट कर रहा है, mv square by r, yes or no? Yes, sir. अब आप इसको अगर इक्वेट करेंगे तो देखो बेटा n cos theta equals to mg लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. ठीक है. Yes, फिर sir. n sin theta is equals to mv square by r लिख सकते हैं. ये इक्वेशन वन हो गया, इक्वेशन टू हो गया. ठीक है. अब इक्वेशन वन को टू से डिवाइड करो, मतलब टू को वन से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और डिवीजन में ये एन कॉस थीटा और यहाँ पे एम जी, तो ये एम से एम गया, ये एन से एन गया, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर जी के. बोलो आई बात समझ में. यस सर. यस सर. अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि ये थीटा क्या होना चाहिए, या थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जाए, तो आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर. लिख सकते हो. यस सर. तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे वी पूछा जाए तो v square is equals to rg tan theta, इसके ऊपर से भी आप v निकाल सकते हो, yes or no? और ऐसा हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, याद है आपको? याद है? Yes sir. Yes sir. ठीक है. अब हम केस स्टडी कर रहे हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल का. क्या स्टडी करेंगे? मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल. लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या पता है, ये बताइए. नाइन्थ में पढ़ के आए हैं हम, वैसे बताओ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ पता है आपको? अरे बताओ, पहली बार सुना क्या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में? अरे पोटेंशियल एनर्जी का नाम पहली बार सुना क्या? नो सर. जब
हम पहले समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। चलो देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो सबसे पहली चीज, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी किसी हाइट पे होती है, मतलब हम ये कह सकते हैं एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो ये कह सकते हैं कि एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब किसी बॉडी के अंदर मोशन, जब कोई बॉडी मोशन में होती है, ठीक है, जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है उस टाइम पे हम ये कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, जो एनर्जी होगी, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, तो वो मोशन जो है वो कौन सी एनर्जी की वजह से है? बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज अ पेन एंड इट इज एट दिस हाइट, ठीक है, तो इसके अंदर जो एनर्जी है ग्राउंड्स की कंपैरिजन में हम क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। बट राइट नाउ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पेंसिल? इट इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों? बिकॉज इट इज एट रेस्ट कंडीशन। अगर इसी पेंसिल को मैं ग्राउंड पे ले जाऊं, मान लो ये ग्राउंड है, अगर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया ले जाके, राइट, तो राइट नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेंसिल विद रिस्पेक्ट टू माई हैंड? इट इज जीरो। व्हाई? बिकॉज ग्राउंड के बिल्कुल कॉन्टेक्ट में है, तो हाइट जीरो हो गई, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं एम जी एच, क्या लिखते हैं? एम जी पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या लिखते हैं? वी राइट एम जी एच। और काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिखते हैं? 1/2 एम वी स्क्वायर। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, ये क्लियर है बेटा? सबसे पहले अब देखिए, यस सर, यस सर। अब हम समझते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल को। मोशन इन वर्टिकल सर्कल में समझना क्या है, ये देखिए कि हमने क्या किया, ये सेंटर पॉइंट है O, ठीक है, अब आप एक चीज समझिए। मान लो मैंने सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं सपोज ये केबल ले लिया मैंने, ये केबल है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है अब ताकि आपको दिखे प्रॉपरली। अब अगर मैं इसको ऐसे ऐसे रोटेट करता हूं, ठीक है, अगर ये सिंगल होता तो ऐसे ऐसे रोटेट करता, राइट। अगर आपके घर में कोई स्ट्रिंग है मान लो, और उस स्ट्रिंग के एंड में आपने बॉल अटैच कर दिया, और उस बॉल को हमने अभी तक ऐसे ऐसे पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल मोशन वाला, व्हाट वी आर स्टडीइंग नाउ, वी आर स्टडीइंग वर्टिकल, राइट। हमने क्या स्टडी किया है? हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे घूमता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, बट राइट नाउ वी आर स्टडीइंग द सेम थिंग मूविंग इन अ वर्टिकल मोशन लाइक दिस। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो वर्टिकल मोशन के अंदर क्या होता है, देखिए सपोज एम मास का एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने टाई किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो एम मास का बॉडी है, सपोज वो यहां पर है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हमने ले लिया ए,
एम मास का बॉडी है, तो उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा, एम जी एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो? और इस पॉइंट पे वेलोसिटी वी वन है, कौन सी वेलोसिटी है, वी वन। अब आप एक चीज समझिए कि जब आप स्ट्रिंग को रोटेट कर रहे हो तो क्या उसमें टेंशन लग रहा होगा टूवर्ड्स द सेंटर, यस और नो? यस सर। सिमिलरली जब ये बॉल रोटेट होते होते इस पॉइंट पे पहुंचा, यहां पर कहां पहुंच गया, ये बॉल यहां पहुंच गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम दे दिया पॉइंट बी, और इस टाइम पर इसके पास वेलोसिटी है v2, कितनी वेलोसिटी है v2, एंड स्ट्रिंग अब बेटा यहां पर है, अब ये जो स्ट्रिंग है वो कहां पर है, तो यहां पर इस पॉइंट पे स्ट्रिंग है, देखिए ये तो डॉटेड लाइन होगी यहां पर, तो ये अब यहां पर स्ट्रिंग है, तो जब स्ट्रिंग यहां पर होगी तो पहली चीज तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, यस और नो? भाई बॉल तो यहां पर है ना, तो ग्रेविटी की वजह से mg कहां लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यस और नो? और टेंशन कहां लग रहा होगा, तो इट इज ऑल्सो एट टूवर्ड्स द सेंटर। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रोटेट कराते हैं उस टाइम पर जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स लग रहा होता है, दैट इज द टेंशन फोर्स, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, ये आपको याद रखना है, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां पर देखिए टी टू जो है इट ऑल्सो एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, यस और नो? समझ में आ रहा है? Yes. अब यहां पर जो चीज है कि जब ये रोटेट हो रहा है तो टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई टूवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर कौन सा फोर्स लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, राइट? तो अगर मैं यहां पर इक्वेट करूं कि टी वन माइनस mg is equals to mv1 square by r, इसकी रेडियस r ले ली, ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। ये mv1, ये जो है आपको याद है ना, हम लोग क्या करते थे, जो फोर्सेस लगते थे उसको हम किसके इक्वेट करते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करते थे या नहीं करते थे? अरे करते थे ना, yes, तो yes. यहां पर भी तो वही किया, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है तो हमने सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लिखा है, दैट इज वी वन स्क्वायर बाय आर, क्लियर है? यस सर। अब देखो ये यहां पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो टी टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एम जी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और वो इक्वेट किसके साथ हो रहा है, तो एम वी टू स्क्वायर बाय आर से इक्वेट होगा, बोलो क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब समझिए अब हमारे पास में अगर हम ये कहें कि मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, अगर हम यहाँ पर एक केस लें जिसे हम कहें मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये हाईएस्ट पॉइंट है कि नहीं, तो मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट के लिए आप देखो तो हम यहां पे कह सकते हैं द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी मिनिमम व्हेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो, बोलो सही बात है? अरे भाई ये पॉइंट ए के लिए है
और ये इक्वेशन हमने बनाई पॉइंट बी के लिए। अब पॉइंट बी में अगर मिनिमम वेलोसिटी चाहिए तो टी टू तो जीरो करना ही पड़ेगा, तभी तो मिलेगा आपको हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी। यस और नो? यस सर। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट फॉर द मिनिमम वेलोसिटी द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो। तो हम कह सकते हैं दैट टेंशन टी टू इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम जी इक्वल्स टू एम एम वी टू स्क्वायर बाय आर। ये एम से एम कैंसिल, तो वी टू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ जी आर। वी टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ जी आर। बोलो आई बात समझ में? यस सर। यस समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब ये मिनिमम वेलोसिटी है v2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr, इसका मतलब क्या है पता है आपको? यहां पर जब मैं लिख रहा हूं दैट v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr, दैट मींस व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर इससे भी कम, अगर मान लो v2 जो है v2 इक्वल टू अंडर रूट gr, अगर इससे कम वेलोसिटी इस पॉइंट b पे अगर हाई v2 equals to square root of gr से कम वेलोसिटी अगर b पॉइंट पे मिली तो ये जो लूप है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लूप क्या है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉल जो है वो नीचे गिर जाएगी तुरंत ही। बॉल क्या हो जाएगी, तुरंत ही नीचे गिर जाएगी। बोलो समझ में आया? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लैक आ जाएगा स्ट्रिंग में। क्या आ जाएगा? स्लैक। तो हम ये कह सकते हैं द स्ट्रिंग विल स्लैक एंड द बॉडी विल नॉट लूप द सर्कल। क्या कह सकते हैं, द स्ट्रिंग विल स्लैक एंड बॉडी विल नॉट लूप द सर्कल। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी तभी ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगी जब उसके पास मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए टू कंप्लीट दिस, टू कंप्लीट द लूप, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड v2 equals to under root of gr। बोलो क्लियर है बेटा यहां तक? एट हाईएस्ट पॉइंट। यस सर। यस सर। ठीक है, यहां तो कोई डाउट है किसी को? अब मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट जो है केस वो है मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? तो भाई नीचे पॉइंट पे ये रहा, पॉइंट ए पे मिनिमम वेलोसिटी एट द पॉइंट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, सो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम देखें तो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बेटा, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपका स्ट्रिंग है, यहां पर वेलोसिटी वी वन है, यहां पर वेलोसिटी वी टू है। ठीक है, पॉइंट ए पे और रेडियस आर है, तो
as per the law of conservation of energy, क्या लिख सकते हैं? That total energy at point A equals to total energy of the body at point B. क्योंकि energy conserve है, इसका मतलब point A पे जितनी होनी चाहिए वो क्या उतनी B पे होनी चाहिए? Yes or no? भाई जितनी A पर होगी उतनी B पे होनी चाहिए. अगर energy conserve है इसका मतलब यहाँ पर जितनी है उतनी ही यहाँ पर होनी चाहिए. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब टोटल एनर्जी के लिए हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी. ये दोनों कंपेयर कर सकते हैं. तो यहां पर आप समझिए कि ए पॉइंट के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो कितनी आएगी. आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि ये ग्राउंड है बेटा और ये बॉल है. अब ये बॉल ग्राउंड पे रखा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो. जीरो, जीरो. क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो उसकी हाइट जीरो हो गई. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी हाइट कितनी हो गई? जीरो. तो सिमिलरली आप यहां पर देखिए, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट ए है उसकी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए ही निकालनी है क्योंकि हम लोएस्ट पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं. लोएस्ट पॉइंट हमारा ए है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? जीरो. काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? 1/2 mv² लिख सकते हैं. अब yes, sir. ये बॉल घूम के यहां पॉइंट बी पे आया. अब किसके रिस्पेक्ट में? ये पॉइंट ए है, ये आपका ग्राउंड है. अब पॉइंट बी के पोटेंशियल एनर्जी बताओ. जब बॉल पॉइंट बी पे होगा उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी आएगी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh. तो लिखेंगे m g और h. अब h देखो कितना है, इसकी हाइट कितनी है? 2r. हाइट कितनी है? 2r हो जाएगा. r रेडियस है तो हाइट कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी. यस और नो? यस सर. काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 mv² बोलो. आई बात समझ में? यस और नो? यस सर. यस सर. तो ये m yes, और ये m कैंसिल. ठीक है, तो ये हो जाएगा v1² इज इक्वल्स टू 2^4 gr प्लस v2² ये हमारी एक इक्वेशन बन गई. v1² plus equals to 4gr plus v2² ठीक है. अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने v2 equals to क्या निकाला था? अंडर रूट ऑफ gr. अगर मैं लिखू v1² is equals to 4gr plus v2², yes or no? यही लिखा था. v2 कितना है? अंडर रूट ऑफ gr. तो मैंने क्या किया, v1² इज इक्वल्स टू 4gr. v2² की जगह मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ gr का होल स्क्वायर. इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? gr हो जाएगा. तो v1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5gr. बोलो v1 क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 5gr. भाई v1 आ गया. मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए मिल गया हमें. यस और नो? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, अब आगे देखिए. अब मान लीजिए आपसे टेंशन पूछ लिया जाए तो टेंशन भी निकाल सकते हैं. देखो कैसे, हमारे पास में इक्वेशन है T1 minus mg = mv1² / r. इसी इक्वेशन का यूज करके देखो निकालते हैं हम लोग टेंशन. टेंशन T1 minus mg = mv1² / r.
तो टी वन माइनस एम जी इक्वल्स टू वी वन कितना है अंडर रूट ऑफ आई जी आर, तो ये एम वी वन का स्क्वायर, तो फाइव जी आर बाय आर, आर से आर कैंसिल, तो टी वन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एम जी प्लस फाइव एम जी, तो टोटल कितना आएगा टेंशन सिक्स एम जी। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। अरे भाई समझ आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब कर लोगे क्वेश्चन ये? यस सर। तो जो सर्कस के अंदर आपने देखा होगा कि सर्कस के अंदर क्या होता है कि कुछ इस तरीके का एक सर्कल बना होता है और इसके अंदर मोटरसाइकिल जो है वो चलाते हैं मोटरसाइकिलिस्ट, राइट, चलाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमाते हैं ना इसके अंदर। अरे देखा है कभी सर्कस? यस सर। अरे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं कि नहीं घुमाते, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं उसके सरफेस पे। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि उसको घुमाने के लिए कितनी मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। चल गया पता? ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि जो एक पायलट होता है ना, पायलट, जब पायलट एक एरोप्लेन को उड़ा रहा होता है उस टाइम पे अगर उसने अगर अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी है, ठीक है, तो भी वो नीचे नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्यों नहीं गिरता है? बिकॉज उसके पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी होती है। दूसरा आपने देखा होगा कि यहां पर जो है, सपोज आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, आपने एक बकेट ली, आपने क्या किया एक बकेट ली मान लो, ठीक है, और इस बकेट को आपने ऐसे गोल घुमाया, तो आपने देखा होगा कि पानी गिरता नहीं है। देखा है कभी? जब ये बकेट यहां पर भी आ जाएगी ना तब भी वो पानी गिरेगा नहीं। देखा है कभी आपने अगर इस पॉइंट पे भी बकेट आ जाएगी तब भी पानी नहीं गिरेगा? देखा है ऐसा कभी? यस सर। ठीक है, तो होता क्या है कि जो वेट ऑफ द बकेट है वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करती है। वो क्या करती है? नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम करती है, एंड दैट्स व्हाई जो वाटर है उसके अंदर वो नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, और लोएस्ट पॉइंट पे उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? रूट फाइव जी आर या उससे ग्रेटर। ठीक है, कितनी होगी? रूट फाइव जी आर या फिर उससे ग्रेटर स्पीड होगी एट द लोएस्ट पॉइंट। बोलो क्लियर है यहां तक?